हेलो एंड वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों को ध्यान है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकल आई है। अगर मैं पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो टोटल यहां पर 220 वैकेंसीज है, जो एक बड़ा ही अच्छा अमाउंट होता है, एक बड़ा ही अच्छा नंबर होता है जेईई के लिए। अगर यहाँ पर बात करी जाए सर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की कि इस एग्जाम जो हो रहा है उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब चालू होगा और यहाँ पर एग्जाम की डेट क्या होगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म है सर वो अभी 11 जून से स्टार्ट हो जाएगा और एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट दे रखी इन्होंने वो दे रखी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में। अगर मैं आज की डेट से भी ये जो टाइम पीरियड है इसको कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट आप लोगों के पास निकल के आता है 3 महीने का समय। आप कह सकते हैं 90 से 100 डेज का टाइम है आप लोगों को लिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अब इस एग्जाम में टेक्निकल भी पूछा जा रहा है, इस एग्जाम में नॉन टेक्निकल भी पूछा जा रहा है, लेकिन जो टाइम पीरियड हमारे पास है सर वो लिमिटेड है। वो इतना आप नहीं कह सकते कि एकदम आराम से रिलैक्स होकर प्रिपरेशन कर ले। हमें है ना थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि ये जो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना वो हमारे हाथ से ना निकल जाए। अब जो स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर वरिंग कर रहे हैं कि सर कैसे प्रिपरेशन करें, इतना कम टाइम है, कैसे हम अपनी जो एकदम प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप एडवांस लेवल करें ताकि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट तक पहुंच सके और फाइनल सिलेक्शन हम कर सके, तो उन सारे कैंडिडेट के लिए कह दूं कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना इसका सॉल्यूशन लेके आ रहा है जेनिक। जी हाँ, जेनिक यहां पर आप लोगों की इस बैच के, ये जो हमारा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जेईई एग्जाम है, इसकी यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए एक बैच लॉन्च कर रहा है और उस वो जो बैच होगा वो आपको कंप्लीट हेल्प करेगा टेक्निकल प्रिपेयर करने में और नॉन टेक्निकल प्रिपेयर करने में। जो भी आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी क्या है सर एक बैच से फुलफिल हो जाएगी। अगर मैं बात करूं सर बैच के बारे में कि क्या क्या बैच की आप कह सकते हैं कि फीचर्स रहेंगे, क्या क्या बैच का यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है, किस तरह से ये हमारी हेल्प करेगा, किस तरह से हम इसके साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो 7 तारीख को शाम को 7 बजे, जी हाँ तारीख को ध्यान रखिए, टाइम को ध्यान रखिए, 7 जून को यहाँ पर शाम को 7 बजे इस लाइव बैच की लॉन्चिंग होगी और इस लॉन्चिंग के अंदर आपको बताया जाएंगे कि इस बैच के क्या क्या फीचर्स रहेंगे, कितने आवर्स में आपका ये सिलेबस कवर करा जाएगा, क्या इसके साथ टेस्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, जितनी भी आपकी क्वारीज है सर सारी की सारी डील करी जाएगी उस सेशन के अंदर। लेकिन जो चीज अभी कंफर्म है ना वो ये है कि आपको अब इस चीज में ज्यादा वरी होने की प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले भी जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी है, चाहे आरएसएम एसएसबी का हो चाहे सीजी व्यापम का हो, लिमिटेड टाइम था वहां पर भी, लेकिन उस लिमिटेड टाइम में इस कैंडिडेट्स ने बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करी और एग्जाम के अंदर एकदम धमाकेदार तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा है। तो सिमिलरली यहां पर जो डीडी है उसके लिए भी एकदम बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और एकदम जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है धमाकेदार तरीके से प्रिपरेशन करके एग्जाम की रिक्वायरमेंट तक टच करेंगे और फाइनल जो हमारा सिलेक्शन है उसको करेंगे कंफर्म। तो ये जो डेट और टाइम है इस चीज का जरूर ध्यान रखें, 7 तारीख को यहां पर शाम को 7 बजे बैच की होगी लॉन्चिंग, सारी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। तो सेशन में जरूर आना, अपनी जो भी क्वायरीज है चाहे एग्जाम रिलेटेड हो चाहे इस कोर्स रिलेटेड हो चाहे आपको ये जानना हो कैसे हम हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में, सारे के सारे सवालों को जवाब मिलेगा आपका उस सेशन के अंदर। तो मिलते हैं 7 तारीख को शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।